Hi guys, my name is Ahai Farooq and my name is Sabeer Sohail. Welcome back to our channel Insane Reacts. So आज हम react करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार के trailer पे teaser पे ठीक है. तो ये वीडियो हमने ली है पूजा एंटरटेनमेंट के चैनल से जिसकी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी. और इसमें मतलब बड़े मियाँ अक्षय कुमार प्ले करेंगे शायद और छोटे मियाँ में खास से टाइगर श्रॉफ. अभी देखते हैं कि है क्या. तो यार क्या गजब की एक्टिंग करता होता है, मतलब उसके स्टंट ओए क्या गजब होता है. तो अपने स्टंट्स के लिए बहुत बहुत फेमस. अभी कुछ दिन पहले की भी बात है, मैं एक वो इंस्टाग्राम रील देख रहा था ना, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि टाइगर श्रॉफ प्रैक्टिस कर रहा था अपने स्टंट्स की डेली लाइफ में. यार वो प्रैक्टिस देख के ही बंदा चौंक जाता है. और यहाँ पे तो VFX और इतना कितना कुछ लगाया हुआ होता है, तो क्रिश 3 बनी हुई होती है मूवी ऑलरेडी. तो देखते हैं कि अभी टीजर है, मतलब देखते हैं इसमें होगा क्या. लंदन अली अब्बास जफर, पता है अली अब्बास जफर ने वो रेड की है रेस फ्रेंचाइज. टाइगर श्रॉफ हो, थ्रिल ना हो, एक्शन ना हो, अक्षय कुमार क्रिसमस 2023 नेक्स्ट ईयर के लास्ट में. माय गॉड, दो साल पड़े मतलब. क्या नाम है तेरी फिल्म का? सर छोटे में आपका बड़े में साथ में है. इससे पहले जो हो चुका है ना बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, वो भी अनबीटेबल था. आज तक कोई भुला नहीं सका उस मूवी को भी. क्रिसमस 2023 इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा मतलब पैन इंडिया मूवी है, मतलब बहुत सी लैंग्वेजेस में आने वाली है. अभी तो मतलब अभी शूटिंग नहीं स्टार्ट हुई, मतलब इसके अभी तक इस तरह से सिर्फ ये अलग शूट हुआ होगा टीजर. मे बी पॉसिबल है ऐसा हुआ हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इकट्ठी सब की शूटिंग हो जाती होगी या सीरीज में शूटिंग होती है. ये सब मतलब जोन जोन से सीन्स एक जगह के हैं वो सारे एक तरफ कर एक दफ़ा कर लिए, और जोन से सीन दूसरे सेट के हैं वो दूसरे सेट पर कर लिए, इस तरह होता होगा. सो गाइस अक्षय कुमार हमने देखे हैं अक्सर, बहुत चेंज हो चुके हैं अपनी. अभी इनकी जो पुरानी मूवीज हुआ करती थी जिनमें ये यंग थे बहुत और फनी होते थे बहुत. अच्छा ओल्ड एज में आने के बाद ना, इस एज में आने के बाद इनके चेहरे की लुक्स बहुत चेंज हो चुकी हैं, बड़ी थ्रिलर लुक्स हो चुकी हैं इनकी. बहुत बहुत द फिटेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड. वैसे एक शिकायत है ऐसे कि हम इनको बहुत मिस करते हैं, इनकी फनी एरा फेरी वेलकम. इसके अलावा उनकी एक और बहुत सी फ्रेंचाइज थी सभी, वो एक और फ्रेंचाइज भी थी जो बहुत फनी थी, बहुत मजे में, दे देना धन, उसके बाद नमस्ते लंदन, उसके बाद बहुत सी थी यार, खट्टा मीठा, और एक वो फटा पोस्टर निकला हीरो उसमें तो नहीं था. अक्षय की थी ना? नहीं अक्षय की थी ना, वो शाहिद कपूर की थी. नहीं नहीं अक्षय की थी वो भी, मुझे नहीं पता. चलो अक्षय के साथ आई गेस करीना कपूर थी शायद, नहीं कोई सभी करीना कपूर वो थी, नहीं थी कोई और थी, वो शीला की जवानी ओम शांति ओम में भी है उसके, यार उसका मुझे नाम नहीं आ रहा मेरे जहन में. वो थी फटा पोस्टर निकला हीरो में अक्षय कुमार के साथ, मुझे याद आ रही है. दीपिका नहीं, दीपिका नहीं थी.
चलो आप लोग बताए जो सी भी फिल्म थी और इसमें कास्ट क्या क्या थी, ठीक है? शाहिद कपूर थे इसमें, चलो देख लेते हैं, मुझे याद नहीं होगा फिर। खैर जो भी है, मुझे तो फिल्म में से थ्रिल एक्शन के अलावा कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आया। और तुम बताओ ताहिर। मैं एक चीज मिस करता हूँ टाइगर श्रॉफ की मूवीज में, उनकी मूवीज जो है ना वो पहली मूवी से अब तक सारी एक्टिंग उनमें फाइटिंग है, एक्शन है कुछ आपको अगर आप एक चीज़ में आपका मतलब आपके इजी है, आपका ये फैक्टर इजी है, आप इसमें कंफर्टेबल है, तो थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ी सी ऐसे भी यूनिवर्सल होना चाहिए। जैसे कि आप देखें ऋतिक रोशन है, वो भी इनसे अच्छे वो स्टैंड करते हैं, इनसे अच्छे लेकिन उनकी मूवीज उनकी उनकी मूवीज है ना एक्ट भी कर चुके हैं, एक्शन भी कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, वर्सेटाइल जिसे कहते हैं ना वो बन चुके हैं वो। उनकी उनकी जो मूवीज होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो उनकी बहुत डिफरेंट थी, बैंग बनटो था उसमें एक्शन था पर स्टोरीज की बिल्कुल डिफरेंट थी। अब देखें जैसे टाइगर श्रॉफ की मूवीज आ रही हैं सारी एक तरह की हैं कि एक एक लड़का है वो बहुत उसके मूव्स बॉडीज की बहुत अच्छी है, उस पर एक लड़की मरती है और वो अपने किसी भाई को किसी बहन को किसी गर्लफ्रेंड को किसी मिशन पर बचाता है। ऐसा ही कुछ अलग होना चाहिए, हमें हमें ये नहीं लगता कि हमें बुरा लगता है, हमें मज़ा आता है इनकी क्योंकि हर दफ़ा वो उनका फाइटिंग लेवल बहुत एडवांस होता है, एक नई ट्रिक्स होती है, स्टंट्स सबसे मज़े के होते हैं, स्टंट्स मज़े के हाँ स्टंट्स डिफरेंट होते हैं लेकिन वो जो बैकग्राउंड है वो सेम होता है, एक्शन उनका जॉनर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत इमोशनल भी होना चाहिए उनकी एक्टिंग, थोड़ा डिफरेंट आना चाहिए कुछ। अब सोशल मीडिया जो है कुछ डिफरेंट देखना चाहती है टाइगर श्रॉफ में, सो ये तो अब टाइगर श्रॉफ पे डिपेंड करता है कि वो अब कैसी मूवीज करते हैं कैसी नहीं करते हैं। खैर अच्छा की उनकी आ रही है, उनकी आ रही है हीरोपति 2 फाइटिंग, उनकी ये ये भी फाइटिंग आ रही है, एक्शन ये वाली भी एक्शन, उनकी एक और है एक और भी उनकी मूवी वो भी मेरे ख्याल से उसमें उसमें है वो भी सब जो एक रीति सेना के साथ भी आ रही है, सारी फाइटिंग आएंगी वो भी देख लेंगे हम, सब आएंगी सब देख लेंगे, सब पे रिएक्ट करेंगे और आई गेस वीडियो तो लंबी होती जा रही है। तो गाइस मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।